बहरमपुर खजूरी गुरुद्वारा साहिब में केक काटकर मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बहरमपुर खजूरी के ग्राम प्रधान शकील अहमद ने बताया कि गांव को आने वाली जाने के तीन रास्ते हैं और तीनों की हालत जर्जर बनी हुई है। न तो कोई विधायक गाँव में आता है, न ही सांसद और न कोई अधिकारी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के अल्पसंख्यक विभाग के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर ने भी ग्राम की जर्जर हालत में पड़ी रोड को बनवाने के लिए डीएम से मिलकर प्रस्ताव देने का ऐलान किया। वहीं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के हल्दौर नगर अध्यक्ष हेमंत कुमार चौहान ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दी और सभी ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। हां जी, नाम बताइए अपना। प्रधान शकील अहमद, ग्राम बहरमपुर खजूरी, पोस्ट नकीबपुर खजूरी, विकासखंड नहटौर, जिला बिजनौर। मूलभूत समस्या क्या है यहाँ? मूलभूत समस्या एक तो हमारे मजहरपुर से जो रोड आ रहा है बिल्कुल उखड़ चुका है, इसका लेपन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ आदमी ऋण लेना चाहते हैं, लाख रुपए का, 2 लाख का, 50,000 का, तो उसमें भी समस्या आ रही है लोगों को। बैंक वाले मना कर देते हैं, दे नहीं पाते। यहाँ पे आपका कौन सा बैंक लगता है? यहाँ पे हमारा ये विदुर ग्रामीण बैंक है एरिया का। विदुर ग्रामीण बैंक, अब तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है सर। प्रथमा यूपी बैंक और बाकी नेटवर्क में पीएनबी है और इंटेल है। कह है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ यहाँ पे कितने व्यक्तियों को मिल चुका है अब तक? मैं सोचता हूँ कि 80% लोगों को मिल चुका है। 80% व्यक्तियों को, और 80% लोगों को अनाज का भी लाभ मिल गया है। यहाँ पे ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको मतलब पात्र होते हुए लाभ ना मिल पाया हो? मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह, ग्राम नकीपुर खजूरी, पोस्ट नकीपुर, थाना नहटौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, खरगोन। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान में आपका क्या रोल है? मेरा जो है जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक। अच्छा, तो आपने अभी कितना समय हो गया है इसमें जुड़े हुए? अभी फिलहाल एक सप्ताह। एक सप्ताह, तो क्या कुछ आपको अभी योजनाओं के बारे में जानकारी हो गई है? अभी मुझे कोई इतनी खास योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं मिली है। आज ये क्या प्रोग्राम है? ये प्रधानमंत्री का जन्मदिन 70वां मनाया जा रहा है। अच्छा, तो इसमें आप आगे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? बस संदेश यही है जनता को कि सही काम कर चलता रहे। प्रधानमंत्री से क्या इच्छा रखते हैं? प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम चल रहा है, देश का विकास भी हो रहा है। हम चाहेंगे गाँव में शौचालय वगैरह कितने बने हैं यहाँ पे गांव में? यहाँ पे शौचालय सबके ही करीब करीब बन चुके हैं। सबके बन गए हैं। रोड वगैरह की समस्या है? रोड वगैरह की एक ये मजलपुर से खजूरी का जो रास्ता है ना, ये ज़्यादा ख़राब है, ये नहीं बन पा रहा है। ठीक। लगभग हमारे 30 गांव हैं सिखों के, जिसकी जनसंख्या लगभग 50,000 है और सभी लोग जो हैं बहुत निम्न परिस्थिति के हैं। लेकिन क्या है, हमारी पार्टी जो है केवल एक ही पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम जहां भी जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश जाएं, चाहे हम महाराष्ट्र जाएं, चाहे उड़ीसा जाएं, हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो हमारे 3 रोड हैं यहाँ जो जिनसे हमारे किसान भी वंचित हैं, बहुत परेशान हैं। एक तो है PWD रोड जो है नकीबपुर और बंगला रोड से फलौदी के लिए, वो बहुत दिन से जो है रोड नहीं बन पाया है। दूसरा रोड है हमारा बहरमपुर खजूरी से नंगली मिलाने के लिए, वहाँ है सेंटर जहाँ गन्ना जाता है, लेकिन वो रोड भी नहीं बन पाया है। तो और एक रोड जो है हमारा सिखों का एक नरसिंह भगवान का मेला जो 8 दिन का भरता है, कोरोना के तहत वो मेला आज आप अभी नहीं भर पाया है, इस साल नहीं भर पाया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, मीडिया से,
और अपने योगी जी से, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से देश के, कि ये हमारे जो हैं ये रोड जरूर बनवा जाएं। और एक सबसे बड़ी समस्या एक और है, जो हमारे गांव के अंदर जो शमशान घाट है, आसपास के भी जो शमशान घाट है, भिन्न भिन्न लोगों ने उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, बेजा कब्जा कर रखा है। तो वहाँ अगर हम किसी व्यक्ति को जलाते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे ईंधन और सामान रखे हैं कि उसमें आग लग जाएगा और उसमें सांप्रदायिक झगड़े होने का डर है। तो मेरा ये सभी निवेदन है अपनी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से,